हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत डिमांडिंग टॉपिक और बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जी, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दैट मींस यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब आपको एक 3D पिक्चर दी रहेगी, उस 3D पिक्चर को हम फ्रंट टॉप लेफ्ट या फ्रंट टॉप या राइट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे आसान होते हैं, लेकिन कभी कभार अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो ये बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत प्यारी ट्रिक सिखाऊंगा और इस ट्रिक के साथ आप कितना भी कॉम्प्लेक्स, कितना भी जटिल क्वेश्चन हो, आप बहुत आराम से बना पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डाइव इन टू द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रिक को समझाने के लिए मैंने सबसे पहले आपके सामने एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म का आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया है। अब इसका फ्रंट, टॉप और लेफ्ट व्यू हम बनाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, आप सबसे पहला फैसला क्वेश्चन को देखकर ये कैसे लेंगे कि कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप है, कौन सा लेफ्ट व्यू है। तो बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को देखते हुए, अब आप ये देखिए कि किस व्यू से देखोगे, किसको आप फ्रंट मानोगे कि आपको तीनों व्यूज का कुछ हिस्सा दिखाई दे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको फ्रंट मान लेता हूं इसको, तो मुझे राइट व्यू दिख रहा है, लेफ्ट नहीं दिख रहा है, टॉप मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से फ्रंट मान लेता हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन को फ्रंट व्यू मान लेता हूं, दिस इज दी फ्रंट व्यू। आमतौर पर ये एरो बने होते हैं, और नहीं भी बने होते तो वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर एरो नहीं बना हुआ है तो आपको डिसाइड करना है फ्रंट व्यू कौन सा है। तो देखिए, अगर ये फ्रंट है तो लेफ्ट व्यू कहां होगा, आपका लेफ्ट हैंड, आपका जब आप लेफ्ट जाओगे तो क्या आपको ये सरफेस दिख रही है? यस, दिख रही है। दैट मींस आपने फ्रंट व्यू सही चुना है। अगर आप फ्रंट इसको चुनते तो लेफ्ट व्यू इसके पीछे वाला हो जाता जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये फ्रंट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये टॉप हो गया। अब मैंने आपसे अभी कहा था कि हम ट्रिक की मदद से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, और ट्रिक कह लीजिए या ये मेरा कंसेप्ट कह लीजिए जिसने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसान कर दिया। तो सामने ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके पास जैसे ही क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन के ऊपर तीन एक्सिस प्लॉट कर दीजिए। तीन एक्सिस प्लॉट करने का क्या मतलब, तीन एक्सिस प्लॉट करने का ये मतलब कि आप ये वाला जो एक्सिस है उसको भी मैंने आगे प्लॉट कर, बस इन तीन एक्सिस को प्लॉट कर दो। और ध्यान रखो, जो आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के जस्ट सामने जो दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन ये और एक ये, फ्रंट व्यू के जस्ट सामने वाला ये डायमेंशन लेंथ हो जाएगा और ये डायमेंशन हमेशा हाइट रहेगा, ये रेड वाला ये हाइट रहेगा। बचा क्या तीसरा डायमेंशन, वो ब्रेथ। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी लाइन इस एंगल पर होगी वो लेंथ होगी, लेंथ लेंथ लेंथ। जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी इस एंगल पे वो ब्रेथ होगी, ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ। जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी वो हाइट होगी, हाइट हाइट हाइट। तो मेरे बच्चे, ये ट्रिक को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेंथ ब्रेथ और हाइट का पहचानना। आइए फ्रंट व्यू प्लॉट करते हैं, और टॉप व्यू और लेफ्ट व्यू, तीन व्यूज हम बनाने जा रहे हैं। तो आप देखिए, यहां से आप फ्रंट देख रहे हैं तो दो डायमेंशन दिखाई देंगे, लेफ्ट सॉरी लेंथ एंड हाइट। इसका मतलब हमें ये पता चला कि फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन मिलते हैं, लेंथ और हाइट। आप सामने ध्यान से और अच्छी तरह देखिएगा, मेरे दोस्तों मुझे लेंथ बनानी है फ्रंट व्यू में। तो लेंथ पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, एक्स वाई लाइन के बिल्कुल पैरेलल, ये ले ली मैंने लेंथ। जो भी लेंथ, जो भी डायमेंशन होगा, जैसे ये 50 mm है तो मैंने यहां पर भी 50 mm ले लिया। अब हाइट एकदम ये परपेंडिकुलर, तो जो हाइट होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर। ये डायमेंशन जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, 60 mm, 80 mm, व्हाटएवर, वो डायमेंशन आपने यहां ले लेना है। ठीक इसके पैरेलल ये ड्रॉप करें, इसको यहां से ये मिला दें, तो आप ध्यान से देखिए आपका फ्रंट व्यू तैयार हो गया। प्लीज घबराइएगा नहीं, अभी क्वेश्चन लेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट, इजी से लेकर एडवांस लेवल तक, जो मैंने आपसे वादा कराया ना कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनवाऊंगा। आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे 8 से 10 लेक्चर देखने वाले हैं, आज पहला लेक्चर है, शुरुआत है, और अभी कुछ देर में हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी सिर्फ ट्रिक समझा रहा हूं, तो मैंने एक छोटा सा फिगर लिया है,
जिसकी मदद से आपको बस ट्रिक समझा सकूं। तो ये आ गया मेरे पास। अब यहां पर क्या क्या आ गया डायमेंशन, यहां पर मेरे पास ये जो डायमेंशन है दैट इज लेंथ, ये जो डायमेंशन वो क्या आ गई हाइट। अब मुझे टॉप व्यू प्लॉट करना है, तो टॉप व्यू प्लॉट करने के लिए क्या करें, सबसे पहला काम तो ये करें कि प्रोजेक्टर डाल दें। ये मैंने प्रोजेक्टर डाल दिए, दीज ऑल आर कॉल्ड प्रोजेक्टर। अब टॉप में क्या क्या दिखता है, तो याद रखिए जब आप टॉप से देखेंगे तो क्या क्या डायमेंशन दिखेगा, लेंथ एंड ब्रेथ, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ टॉप व्यू में। तो लेंथ तो आपके पास एज इट इज आ रही है, ये रही लेंथ। अब जो ब्रेथ होगी टॉप व्यू में, वो ये जो ब्रेथ है ना ये वर्टिकल हो जाएगी। वर्टिकल का मतलब जैसे फ्रंट व्यू में हाइट वर्टिकल है एक्स वाई लाइन के, इस एक्सिस के वर्टिकल है, वैसे ही अब ब्रेथ टॉप व्यू में वर्टिकल हो जाएगी। तो जो भी ये डायमेंशन हो वो डायमेंशन एज इट इज आपने यहां पर ले लेना है, ये ले लिया मैंने, और इसको यहां ज्वाइन कर दीजिए। ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म का टॉप व्यू। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट द साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए जो तरीका मैं बताऊं आप उसी से चलिएगा, कंसेप्चुअल मेथड से चलिएगा। साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या करें मेरे बच्चे, हम सबसे पहले रेफरेंस लाइन डालेंगे। सबसे पहले ये रही मेरी रेफरेंस लाइन एक्स वाई से जिसको हम डिनोट करते हैं, और ये रहा प्रोफाइल प्लेन एक्स वन वाई वन, ये डाल दीजिए किसी भी डिस्टेंस पर आपकी श्रद्धा, कोई भी डिस्टेंस। यहां से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ब्यूटिफुल एक्स वन एंड दिस इज वॉट वाई वन। नाउ अब हम क्या करें, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां से आप 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करें। 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, और बहुत से बच्चे आर्क लेकर भी करते हैं, वो भी सही है, दोनों वैलिड तरीका है। नाउ अब क्या किया जाए, अब कुछ ना किया जाए, अब यहां से इसको इधर प्रोजेक्ट कर दीजिए, इसको इधर प्रोजेक्ट कर दीजिए, इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए, इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए, इसको यहां पर मैंने ये ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, ये चला गया, और इसको पैरेलल टू एक्स वाई लाइन ये देखिए, और ये लास्ट। नाउ सारे प्रोजेक्टर्स आ चुके हैं, अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, मैं इनको ज्वाइन करता हूं। मेरे बच्चे ये देखिए साइड व्यू, साइड व्यू, आप यकीन करिए इस ट्रिक को अगर आपने समझ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन हो बहुत आसानी से बन जाओगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले उसके ऊपर तीन एक्सेस डाल दीजिए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। याद रखिए, याद रखने का आसान तरीका BHL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। मेरे बच्चे अभी जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करा रहा हूं। जब ये क्वेश्चन थर्ड एंगल में हो जाएंगे तो हम फ्रंट को यहां पर ले लेंगे और जो ब्रेथ होगी वो लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। लेंथ वो मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं आप लोग को उलझाना नहीं चाहता। तो अभी सारे क्वेश्चन हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करने जा रहे हैं, मैं यहीं रुक गया हूं। आप ट्रिक को समझो मैंने क्या बोला, तीन एक्सेस डालें, उसके बाद हमेशा ध्यान रखें क्या, ये देखिए बेटा हमारे पास तीन डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। प्लीज इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, ये टेबल जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, इस टेबल को मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है। अब सुनिए बेटा मेरे बच्चे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, टेक्निकली इसको फ्रंट व्यू को एलिवेशन, टॉप व्यू को प्लान, ये सही नाम है, और साइड व्यू को एंड व्यू कहा जाता है। पर अभी हम बिल्कुल आराम से ताकि आपको इजीली समझ में आए फ्रंट टॉप और साइड कह रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए फ्रंट व्यू में जो लेंथ होगी, फ्रंट व्यू में जो लेंथ होगी वो पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, ऐसी लाइन होगी। फ्रंट व्यू में ब्रेथ नहीं होती, फ्रंट व्यू में ब्रेथ नहीं होती, दिखाई नहीं देती, तो ये क्रॉस लगा दिया। अब फ्रंट व्यू में जो हाइट होती है वो ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वर्टिकल खड़ी लाइन से। अब टॉप व्यू में आ जाओ, तो टॉप व्यू में अगर आप देखें तो टॉप व्यू में लेंथ ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट करी जाएगी,
ब्रेथ ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट करी जाएगी और टॉप व्यू में हाइट दिखाई नहीं देती। ठीक इसी तरह अगर साइड व्यू में आ जाएं तो मेरे बच्चे साइड व्यू में लेंथ नहीं होती। साइड व्यू में क्या दिखाई देगा आपको? साइड व्यू में आपको ब्रेथ दिखाई देगी जो कि ऐसी होगी और साइड व्यू में हाइट दिखाई देगी जो कि ऐसी होगी। इसको समझो बेटा, ये कन्वेंशन, ये ट्रिक है, ये वो ट्रिक है जो मैंने बहुत पहले डेवलप करी थी और इस ट्रिक की मदद से यकीन करिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत आसान हो गए। पहला वीडियो लेकर आया हूं मैं यहां पर यूट्यूब पे अपने चैनल पर जो ट्रिक की मदद से मैं ये सिखा रहा हूं। आज से पहले मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कन्वर्जन वाला कोई वीडियो नहीं बनाया, ये पहला वीडियो। तो हमेशा ध्यान रखें बेटा इसको कि फ्रंट व्यू में देखिए लेंथ, तो देखो ये लेंथ ऐसी लाइन है, ऐसी। फ्रंट व्यू में हाइट ऐसी लाइन होगी, टॉप व्यू में लेंथ ऐसी लाइन होगी, टॉप व्यू में ब्रेथ ऐसी लाइन होगी, साइड व्यू में, साइड व्यू में लेंथ नहीं होगी, साइड व्यू में ब्रेथ ऐसी लाइन होगी, ये रही ब्रेथ, और साइड व्यू में हाइट ऐसी लाइन होगी। मैं एक बार इसको लिख भी देता हूं तो आप नोट डाउन कर लें, आप प्रॉपर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हेडिंग डालें और ये नोट्स में ट्रिक के तौर पर इसको लिखें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें आप। ये है क्या ब्रेथ, ये क्या है हाइट, ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेथ। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट कर बताइएगा अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा उससे हमको आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हमको, हम जैसे कई एजुकेटर को जिनके भी आप वीडियो देखते हैं, पसंद आते हैं, उनको कमेंट जरूर करा करो बेटा, अप्रिशिएट किया करो ताकि उनको लगे कि हाँ उनके पढ़ाने से बच्चों का फायदा हो रहा है, बात उन तक पहुँच रही है। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। एक डाउट का ग्रुप है, आप वहां डाउट्स पूछ सकते हैं अपने। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसी ट्रिक की मदद से क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।